हेलो हाय गाइस, सो दिस इज़ आफ्टरनून, अबाउट 2:40 इन द आफ्टरनून. मैंने एक वीडियो मॉर्निंग में बनाया था और मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आज हो सकता है निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करे. और अकॉर्डिंग टू आर थ्योरी, जैसे ही MACD ने क्रॉस किया था यहाँ पे इस जगह पे आप देखिए, और RSI 60 के नीचे गई थी, हमारे लिए सेल का ट्रेड बन गया था. ठीक है, एंड देन मैंने आपको सजेस्ट किया था कॉलगेट पोमोलिव, एंड मैंने आपको सजेस्ट किया था मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि आप देख सकते हैं उस समय था 567 पे. वो 567 पे था उस समय, और इस समय यह है 571 पे. ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला था कि कॉलगेट पोमोलिव, कॉलगेट पोमोलिव जो है वो मुझे इट लुक्स टू मी एज इफ इट्स इन डाउनवर्ड ट्रेंड, एंड सिंस निफ्टी इज प्लानिंग टू गो डाउन, there will be a consolidation after a long run. So I have told you that, so I did in the morning, I sold a trade. So अभी मुझे कुछ होता हुआ या दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा कि of course ये हमारा trade definitely है. ठीक है, ये 10 moving average है, ये 50 moving average है. ठीक है, अब मैं आपको इस chart को line में convert करती हूँ. ठीक है, ये देखिए, जब ये आपको इस तरह का zigzag pattern W जैसा दिखाई दे बनता हुआ between 10 moving average and 50 moving average, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होके बैठना पड़ेगा. मतलब एक होता है कि सीधा ऐसे फॉल हो रहा हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ये ऊपर नीचे जाके ये फॉल होगा. ये फॉल जो है ना, इट्स कॉल्ड W माइनस फॉल फॉल. मतलब W, अगर देखिए ये उल्टा W, ये सीधा W, तो ये वाला बनता है. ठीक है, उल्टा W बनता है तो W का नेगेटिव फॉल है, मतलब W बनने के बाद माइनस में चली गई निफ्टी, दिस कॉल्ड W माइनस ट्रेड. अगर ये सपोज ये 50 मूविंग एवरेज ऊपर होती और 10 मूविंग नीचे से आ रही थी और ऐसे ऐसे होता, तो वो W पॉजिटिव का ट्रेड होता. हमारा W माइनस का ट्रेड है ये. ठीक है, और ये भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है. देखिए निफ्टी यहाँ गई टच करके, देखिए ऊपर से गिरी, थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर गई, ये ग्रीन कैंडल यू नो सपोर्ट किया, बट इट कुंट होल्ड, नीचे आई, फिर थोड़ा सा सपोर्ट, फिर इसने एक बहुत दम लगाया था यहाँ पे आके इस जगह पे. ये वाली जो कैंडल है इसमें बहुत इसने जोरों के साथ ऊपर गई थी, और उसके बाद फिर इसको यू नो फिर नीचे के लिए, मतलब ये इट कुंट होल्ड, 10 मूविंग एवरेज को टच किया, ये देखिए टच किया इसने और फिर नीचे चल पड़ी है. And this is a very strong indication that Nifty do plan to go down at least for 50 points. Or maybe not in a long duration, matlab very soon, in next half an hour or 45 minutes. I don't know. It may bounce back because it was such a positive uptrend going on right now. Ho sakta hai ki kam points niche jaye, but jab is tarah ki cheez hoti hai jo maine abhi aapko dikhai, ki line mein convert karke maine aapko dikhaya upar niche, और या अगर आपको कैंडल से ही समझना है तो आप देखिए जब ये बड़ा बिटवीन 10 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज के बीच में इस तरह बहुत ज्यादा फाइट हो, देन इट्स अ श्योर शॉर्ट साइन यू नो कि इसने एक डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांग ट्रेंड लेना है. अगर सपोज ये सपोर्ट लग जाता है, ये ऊपर की तरफ भागेगी, और मुझे तो यहाँ रेजिस्टेंस लगता हुआ ही दिखाई दे रहा है, तो अगर ये रेजिस्टेंस ले लेगी तो धड़ 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 नीचे जाएगी कम से कम 20-30 पॉइंट्स. सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेड दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू. कभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, बट आज मुझे लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में होने वाला है. अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दैट आई कॉन्ट प्रिडिक्ट. आई विल वेट फॉर अ कैंडल टू क्रॉस दिस 50 मूविंग एवरेज, एंड देन इंट्राडे ट्रेड करूंगी मैं, और वो भी 2 या 3 या 4 लॉट से एक साथ लेके करूंगी. सो दैट्स वॉट माई प्लान इज, बट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू दिस ट्रेड, दैट्स वाई आई मेड अ क्विक छोटा सा वीडियो, सो दैट आप भी लर्न करें. आई होप यू एंजॉय कॉलगेट पोमोलिव ट्रेड इन द मॉर्निंग. अभी तक देखिए, अभी जब मैंने बनाया था वीडियो, उस समय उसकी कॉस्ट थी 911 रुपीज, एंड इस समय इसकी कॉस्ट है 897.80, राइट. एंड ये मैंने आज ट्रेड नहीं किया मॉर्निंग में, मैंने कल रात में निकाल के रखा था, एंड बोला भी था मॉर्निंग में कि मैं रात में ही मैंने इसकी एनालिसिस कर ली थी, और रात में ही मैंने डिसाइड किया था कि अगर, क्योंकि आज ऐसा दिन है कि हो सकता है निफ्टी नीचे जाएगी, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगी. तो आप जब पहले दिन ट्रेड बना के रखेंगे ना, आपका ट्रेड कभी गलत हो ही नहीं सकता. 50
फिर मैंने आपको जी लर्निंग का भी बोला था, जी लर्निंग भी अभी अच्छे से नीचे के ट्रेंड में है, अबाउट 1.66% डाउन है, ठीक है। तो आई टोल्ड यू अबाउट थ्री पिक्स, ऑल थ्री ऑफ देम हैव डन एग्जैक्टली द वे वी थॉट अबाउट इट, एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस टू हैपन। ये जब डब्ल्यू माइनस होगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगी, इंट्राडे करूंगी, 10-15-20 मिनट के लिए करूंगी, और आई एम श्योर इट्स गोना गिव मी गुड मनी। सो लेट्स से, लेट्स रीकैप वंस वी फिनिश विद दिस ट्रेड, जैसे ही कैंडल क्रॉस करेगी नीचे की तरफ मैं शॉर्ट करूंगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप लर्निंग, डू योर ट्रेड्स वेल, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज एटलीस्ट राइट सम कमेंट्स सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मैं और कोशिश करूंगी कुछ नई नई चीज आप लोगों के लिए निकालने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच।